जो क्लॉ मार के गया ना मदन पे तो कुर्राया भी था। अच्छा हाँ, तभी मैं जल्दी चल रहा हूँ, जल्दी से चल के अपना ट्रैकिंग करके वापस आएंगे, क्योंकि 5 बजे का टाइम जो होता है ना टाइगर का टाइम है उनकी, तो जो क्लॉक है दिमाग की वो सन के हिसाब से, सन के हिसाब से, और थोड़ा सन के हिसाब से भी है, थोड़ा वेदर के हिसाब से भी है, वेदर के हिसाब से भी है। और दूसरी बात, वो वाइल्ड मूवमेंट के हिसाब से भी चलते हैं कि क्या उनको पता है कहाँ पे किस सीजन में कौन कहाँ मूव करेगा। वो हमसे ज्यादा जानते हैं कि उनको शिकार कहाँ मिलने वाला है, उनका तो घर है वो। हाँ, टाइगर लेपर्ड के बारे में यहाँ रह के जो नॉर्मल जब हम लोग एज अ टूरिस्ट आते थे ना, तो और जो अब है मेरे विचार, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि पहले हम लोग देखते थे जिप्सी पे बैठ के, जैसे नॉर्मल टूरिस्ट आता है आज, बिल्कुल लेपर्ड के बारे में लोग बोलते हैं टाइगर साइटिंग हो जाती है, लेपर्ड की साइटिंग नहीं होती है। आप मेरे यारात में 2 दिन बैठोगे रात को सारी लाइट्स बंद करके, लेपर्ड साइटिंग। मैं इस बात से आपके 100% श्योर हूं, जो आपने की लाइट बंद करके, हाँ ये सबसे बड़ी हिंड्रेंस है, सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। बिल्कुल, क्योंकि लाइट देखते ही वो ना उस एरिया को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। है तो उनका एरिया, देखो एरिया तो उन्हीं का है, वो अपने ही एरिया में मूव नहीं कर पाते। देखो उनको दिखते दिखते रह गया, बंदर कॉल कर रहा है, एक लेडीज चिल्ला रही है वहां से, लेपर्ड है लेपर्ड है। अच्छा, मगर वो अब आया नहीं बाहर, तो जानवर है, इसकी मर्जी चलेगी। रात को क्या हुआ था मदन, 2 टाइगर थे? हाँ 2 टाइगर, मेल फीमेल, वो यहीं बैठा हुआ थे, रोड पे ही बैठे हुए थे। अच्छा, उसके नीचे आना था अपने गाँव, नीचे गाँव में वो जॉब कर, घर है उसका, ऊपर जॉब करता था। अच्छा, तो टाइगर और टाइगर उसके चारों तरफ आकर वो यहाँ से भागा, कॉटेज में दरवाज़ा बंद कर लिया थे, और टाइगर टाइगर्स गोल गोल चक्कर मारते थे। अच्छा, फिर उसने फ़ोन किया नीचे, तब गाँव वाले आए, शोर वोर मचाया, तो दोनों भागे। अच्छा, ये ट्रेल देखा था पानी पीने जाने के लिए, टाइगर ट्रेल, ये तो एनिमल्स की बनाई हुई है ना, काकड़ हो गया, मतलब भारतीय डियर का, ये गाँव भी अमोली के, अमोली के घास लकड़ी वाले। अच्छा, लकड़ी ग्रिलने जाते थे, फिर शोर करते हैं जानवर, करते हैं ताकि उसको पता रहे, हाँ एकदम सरप्राइज ना हो भाई। हाँ, हाँ। गया। तो ये गांव भी कई उस एरियाज में बटा हुआ होगा है ना, जैसे ये इधर जाने के लिए किसी की जमीन इधर होगी तो है ना, ऐसे ही होगा। हाँ, जैसे अच्छा। किसी की जमीन उधर है तो उधर जाने का। अच्छा, हाँ ये देखो क्यों देखा ना सर, खुश हूँ इसको हम तो दिखा रहा सब कता कता ले ही जा रहा पर तुम का जाओ, मतलब किसी किसी समय दिखता है। हाँ, कस्ता कस्ता देखी हूँ। अच्छा, हाँ दिन में देखो हमें बातचीत हुआ। अच्छा, आपने कब देखा, सुबह सुबह? अच्छा, हाँ वहाँ वो पानी के घर पे वहाँ। अच्छा, टाइगर। हाँ, यहाँ 5-star रिजॉर्ट्स आ गए तो फिर तो देखिए यहाँ हाथी आता है, ये रीजन बैम्बो। हाँ ओके, कितने हाथी आए थे मतलब अभी? 15 हाथी इसी रोड पे थे, बैठे हुए थे आगे जाके। अच्छा, हाँ बैम्बू है ना, बहुत बैम्बू, आगे भी बैम्बू है। ओके, जितने जानवर हैं गोराल वगैरह सब रेडी, यहाँ पे सदा पानी चलती रहती है पूरे साल, पानी की कोई दिक्कत नहीं, पानी की दिक्कत नहीं। तो पहाड़ों में अंदर वो होती है ना, झीलें होती है पहाड़ों के अंदर, जी जी जी। उनसे आता है ना पानी, जी जी नेचुरली रहेगी सर, करी पत्ता ये नेचुरली रहेगी रोड। चल रहे हैं प्रॉपर, इसके ऊपर कोई नहीं आता,
पीछे पीछे पानी दिख रहा है झरना, पानी के पास ये पूरे साल के लिए इसी में बैठता है टाइगर, इसलिए यहाँ टाइगर रहता है। अच्छा, शाम को नीचे उतरता है। अभी हमारे 200-300 मीटर दूर पे टाइगर होगा, ये जैसे ही ग्रासलैंड जाने का टाइम होगा तो यहाँ से जाएगा ग्रासलैंड। अच्छा, लेकिन आप क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी ले ली तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इसको कहीं से भी मैं डिस्टर्ब करूँ, क्योंकि अगर जैसे भी होती तो खूब आवाज़ हो रही होती है। अच्छा है ना, ये बिल्कुल मतलब अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, इसका मतलब बिल्कुल ये रोड तो अभी बनाई है ना, अभी बनी है, आप उससे चल रहे हैं फर्स्ट पर्सन, बाहर का कोई चल रहा है वरना तो। हाँ, ये देखो ये सारी चीज़ अभी बनी है, अभी हटाई है ये झाड़ियाँ यहाँ, अभी तो प्रॉपर बनी है, फर्स्ट टाइम हुआ है कोई गाड़ी नहीं इसे। जेसीबी चल गई ना तो पग मार्क दिखाते इस पे। ये बोला ये काकर बार्गन डियर कॉलिंग कर रहा है, देखो टाइगर यही है, टाइगर है तो किसी कहीं नहीं जी, उस तरह है नाले जी जी जी, हमसे 200 मीटर दूरी का टाइगर है, वहाँ से डिस्टर्ब हो गया है, आइए इसलिए मूव किया उसने जी। वहाँ पे जंगल है, जंगल के बीच में ही रहता है ना जी, पॉटेड नहीं होता ना, ये छोटा वाला है जो रेड कलर का होता था ना वो वाला, पॉटेड नहीं है ना, पिछली बार इतने भंगरे हाथ से बने टाइगर के पूरे, अच्छा जिसका चल रहा है उस पर जस्ट टाइगर हमसे पहले निकल के गया। अच्छा, ये जब तक उसको देखेगा कॉल करेगा, कॉल करेगा टाइगर है ना, अभी टाइगर है तो आपके यहाँ से दिख जाएगा जो काकड़ कॉलिंग कर रहा है ना, ऊपर से दिखेगा ये बस पास में है, ये समझ लो आप ये सामने पेड़ के उसके नीचे, हाँ पेड़ के नीचे टाइगर उधर इधर नहीं है, उस तरफ है नाले, हाँ उस तरफ ऊपर कहीं होगा ना टाइगर, या फिर नाले के अंदर देखा है, नाले के अंदर, नाले के अंदर शाम का टाइम होता है ना पानी पीता है, उसके बाद फिर जंगल में घुस जाए जहाँ थे ना, हाँ पास में आपको बोला ना 100-150 मीटर की दूर पर टाइगर आएगा, टाइगर शाम को जाएगा, ये देखो पगमार्क आधा डिस्ट्रॉयड क्योंकि अभी गाड़ी चली, गाड़ी चली है, आपको पूरा पगमार्क दिखाता हूँ, ये टाइगर का पगमार्क है तो आपको उसको थोड़ा ना मजा नहीं, और घुमाना पड़ेगा थोड़ा इधर, ये हड्डियाँ देखो, ये देखो ये देखो हड्डी पीछे शिकार करता है, देखो दांत से कैसे चबाता है, आपको दिखाता हूँ ये देखो टाइगर कैसे चबाता है, ये देखो कोने देखो दांत के निशान, मदन अगर कांकड़ उधर से बोला तो हमारी तरफ आ सकता है, ध्यान रखना, हाँ कोई बड़ी भारी बात नहीं, ठीक है। यहाँ 7 बजे के आसपास टाइगर यहाँ से नीचे मूव करता है ग्रासलैंड से, तब शिकार के लिए, और देखो जैसे ये एरिया उसको मिला है एक प्लेन तो इस पे वो ज़्यादा मूव करेगा, सुबह हम आएंगे ना अगर हम इसी पे सुबह आते हैं तो जैसे भी जा चुकी है मिट्टी उखाड़ गई है, इतने पग मार दिखेंगे, इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा टाइगर है ना यहाँ पे, इसको हमने कच्चा ही रखना है क्योंकि इसमें पग मार तभी दिखेंगे, इसमें हम कच्चा छोड़ेंगे इसको, हमारी हम पार्किंग वहाँ बनवा रहे हैं, पेड़ गिरा हुआ है ना, हाँ हाँ वहाँ पे बनेंगे, वहाँ 4-5 गाड़ी की पार्किंग होगी, ये कॉटेज बीच में ही है। यहाँ रोला है पानी का, दिखाता हूँ जिसमें टाइगर बैठता है, पिछली बार बैठा हुआ था टाइगर। अच्छा, हाँ हम उठ के, हम जैसे गए उठ के गया था, पगमार्क लगे हुए थे पूरे, अभी भी होंगे आज तो देखता हूँ, ये नाला है पानी चलता है इसके अंदर, आज आपने जब हम पहले आ रहे थे तो झाड़ियाँ, अच्छा हमें एक बात नहीं पता था,
अच्छा ये रास्ता निकाला लेपर्ड है, टाइगर जो है हमारी तरफ मूव कर चुका है, हमारी तरफ आ रहा है, उधर से चुप हो गया वो, उसकी नज़रों से ओझल हो गया ना, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं होगी, दिख गया मतलब ये क्यों नहीं हटा। आपको दिखाता हूँ जब टाइगर कहाँ पानी पीता है, जब हम यहाँ करेंगे ना फेंसिंग तो इसको हम नाले नाले में ओपन छोड़ देंगे। हाँ ये अभी घर में रहेगा, पानी की आवाज़ आ रही है। हाँ ये देखो वहाँ पे रास्ता ये है, ये देखो ये यहाँ कुबेर जी, ये ऑल द टाइम पानी है पूरे साल। अच्छा आराम से यहाँ पे टाइगर आप स्मेल करोगे एक अलग सी स्मेल होगी, टाइगर इस पानी के अंदर बैठा रहता है, और जहाँ कुबेर जी ने जूटा वहाँ पे तो टाइगर पूरा पानी से रहा है। मैं और चंदन जी है ना जो भी मिले थे, उनका भतीजा है ना वो, है उनका भतीजा और मैं, इतनी दूर लेकिन आजकल थोड़ा सा एनिमल बिहेवियर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल, या तो वही है कुछ इंसान आगे बढ़ गए कुछ साहब, चलो ये तो बाद में।